वेलकम टू माय चैनल फूडी स्पीक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। आज फूडी स्पीक किचन में बन रहा है बहुत ही अमेजिंग रेसिपी, चना दाल पुलाव। इसको हम चने की दाल की खिचड़ी भी कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, न्यू टेक्निक है, तो आपके साथ भी शेयर करूंगी। निखरे निखरे चावल कैसे बनेंगे, दाल का दाना अलग कैसे रहेगा, कौन सी बातों का ख्याल रखना है, तो ये सारी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी सारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज्जा में हमें सबसे पहले चाहिए घी, हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर, बॉइल हुई दाल, दम लगाने के लिए हरा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, फूड कलर, और स्पाइसेस में हमें चाहिए तेजपात, मोटी इलायची, सब्ज इलायची, दालचीनी, लौंग, सुर्ख मिर्च, काली मिर्च, नमक, जीरा, गोल काली मिर्च। चावलों को आधा घंटा भिगो लेंगे। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले पैन में घी शामिल करेंगे और प्याज डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा, इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन प्याज फ्राई हो जाए, इसमें हम टमाटर और साथ में अदरक हरी मिर्ची शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें सारे स्पाइसेस शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आपने नमक कम शामिल करना है, क्योंकि जब हमने दाल बॉईल की थी उसमें नमक शामिल था, तो हमने वो पानी वेस्ट नहीं करना, उसी पानी को हम शामिल करेंगे। अक्सर यहाँ पे गलती हो जाती है कि पानी किस तरह से शामिल करना है, तो ये आपको टिप बताऊंगी, ताकि इससे आपके चावल खिले खिले बने और दाल का दाना अलग बने। जब दाल बॉईल हो जाएगी, इसके पानी को सेपरेट कर लें और जो पानी ऊपर से होगा जस्ट आपने वो शामिल करना है, जो नीचे रह जाएगा उसको शामिल नहीं करना, उसको वेस्ट कर दें। ये टिप फॉलो करने से आपका चने का पुलाव कभी भी खराब नहीं होगा। जब पानी को बॉईल आ जाए तो इसमें चावल शामिल कर देंगे और चावल में चम्मच ज्यादा नहीं चलाना, सिर्फ आपने बैलेंस करके इसको पकने देना है। यहाँ पर आंच तेज होनी चाहिए, इससे चावल लंबा बनता है और चावल टूटता नहीं। एक ग्लास चावल में आपने 1 ग्लास पानी और साथ में 1/2 ग्लास पानी शामिल करना है। सेकेंड टिप आपने ये फॉलो करनी है कि जब भी चावल को दम लगाने लगे, उससे पहले आपने दाल शामिल करनी है। दाल शामिल करने के बाद ज्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे, सिर्फ 1 दफा चम्मच हिलाएंगे और साथ में काली मिर्च शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको दम लगाएंगे। दम लगाने से पहले हम इसमें फूड कलर शामिल करेंगे। अब इसमें टमाटर के स्लाइसेस, प्याज के स्लाइसेस, हरी मिर्चें, धनिया शामिल करके इसको दम लगा देंगे। 20 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे। के दम के बाद जब भी आप दम खोलें, इसकी भाप को निकलने दिया करें। इस तरह करने से चावल बहुत अलग अलग बनते हैं और खिले खिले बनते हैं, तो ये टिप लास्ट में फॉलो कीजिएगा। अब इसको डिश आउट करने के बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं।
अगर आपको चावल की और रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, चना पुलाव की, जीरा राइस की और वेजिटेबल पुलाव की। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक तैयार है, तो आप सब भी देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल बने हैं। जो भी टिप्स बताई हैं उन सबको फॉलो करें तो बहुत ही अच्छे चावल बनेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टफुल बनेंगे। तो जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल बटन आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी सारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, न्यू स्टाइल के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।